चलिए आज हम देखते हैं वाली तीन दशमलव दो का पहला सवाल आज हम वाली तीन दशमलव दो का पहला सवाल लगाएंगे और प्रश्नावली तीन दशमलव दो में जो ये क्वेश्चन नंबर दो तीन चार इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें किस प्रकार से करना है इन क्वेश्चन के लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है इसमें कुछ नहीं है जो हमारे प्रतिष्छेदी और समांतर एक के ऊपर दूसरी रेखा संगत रेखा हैं उनके बीच में उनके समीकरणों के बीच में किस प्रकार का संबंध रहेगा ये हमने पहले ही बना दिया है अब हमें प्रश्नावली तीन दस दो का पहला क्वेश्चन करना है क्या है पहला क्वेश्चन कक्षा दस के दस विद्यार्थियों ने दस विद्यार्थियों मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल दस है। एक दड़ित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कितनी हो अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग तो प्रतियोगिता में भाग के लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या बताइए और देखिए ऊपर प्रश्न में क्या लिखा निम्नलिखित समीकरणों का योग बनाइए विधि से हल भी कीजिए इसे हल करना है लेकिन ग्राफी विधि से हल करना है चलिए देखिए इसे हल करें अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेंगे माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y ये हम मान लेंगे तब क्वेश्चन में क्या कहा है कि कक्षा दस के दस विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या मिलाकर टोटल दस है तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या होगा पहली कंडीशन प्रश्न में दो कंडीशन दी गई है तो प्रश्न के पहली कंडीशन के अनुसार लड़के प्लस लड़कियां बराबर टोटल कितने हैं दस देखिए प्रश्न में यही दिया है लड़के और लड़कियों मिलाकर कुल कितने हैं? दस है बिद्धार्ती। दस विद्यार्थी दस विद्यार्थी का मतलब क्या है टू टेन। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है दूसरी कंडीशन है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे इस प्रश्न के अनुसार लिखेंगे इस प्रकार से देखिए यदि लड़कियां लड़किया है क्या है लड़कों से चार अधिक है तो देखिए लड़कियों को हमने क्या माना था वाई तो वाई बराबर एक्स प्लस चार अब ये हमारे दो समीकरण बन चुके हैं एक समीकरण ये और एक समीकरण ये तो जो ये हमारा ये वाला समीकरण है ये पहले से ही वाई के बराबर में एक्स के पदों में है और ये समीकरण को हम चेंज कर लेंगे वाई के बराबर में और एक्स के पदों में तो दस माइनस एक्स ये हो जाएगा अब क्या करना है बस मान रख देना है एक्स का मान वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन या ऐसे ही यहाँ पर भी मान रखेंगे चलिए अब हम इसके लिए वर्गीकृत के ले रहे हैं चलिए देखिए ये, ये पॉइंट हमने रख लिए और थ्री रखा तो यहाँ पर कितना आया सेवन आया जब फाइव रखा तब यहाँ पर कितना आया फाइव आया जब यहाँ पर सिक्स रखा तब वाई की वैल्यू फोर आई इस वाले समीकरण में जब वन रखा एक्स इज इक्ल टू वन तो यहाँ वाई इज इक्ल टू कितना आएगा फाइव थ्री रखा तब सेवन और जब माइनस वन रखा तब थ्री आया अब ये किस प्रकार से रख दिए आपने इतने वन थ्री टू क्यों नहीं रखा या यहाँ पर वन और फोर ये क्यों नहीं रखे इसे हम क्वेश्चन के बाद में बताएंगे चलिए देखिए अब ये जो हमारे वर्गीकृत आँखें हमने जो पॉइंट निकाले हैं पहला पॉइंट तीन काम सात दूसरा पॉइंट पाँच काम पाँच तीसरा छः काम चार इसमें भी देखिए पहला एक कोमा पाँच तीन कॉमा सात माइनस एक कोमा तीन इनको अब हम बना लेंगे ग्राफ पर अब देखिए ये जो पॉइंट है हम लोगों ने इनको ए बी सी के रूप में लिख लिया है इन दोनों पॉइंट को इसको डी ई एफ में लिख लिया है अब इन पॉइंट का हम निर्धारण करेंगे पहले देखिए ब्लैक वाले में थ्री पॉइंट सेवन देखिए थ्री और सेवन एक्स पर थ्री और वाई पर सेवन देखिए वन टू थ्री एक्स पर थ्री और वाई पर सेवन थ्री और सेवन तो ये पॉइंट यहाँ पे बना इसे दे दिया ए अब चलिए बी पॉइंट फाइव कॉमा फाइव बी पॉइंट देखिए एक्स पर फाइव और वाई पर फाइव तो देखिए एक्स पर फाइव ये होगा और वाई पर फाइव ये होगा तो यहाँ पर अब अगला पॉइंट है सी छः छमा चार तो देखिए एक्स पर छः और वाई पर चार ये है अब हम इस रेखा के पॉइंट में लाते हैं डी एक कोमा पांच एक्स पर एक वाई पर पांच देखिए वाई पर पांच एक्स पर एक ये हो गया तीन कोमा सात एक्स पर तीन वाई पर सात देखिए वही पॉइंट है एक्स पर तीन वाई पर सात जैसा इस रेखा का ए पॉइंट था ऐसा ही इस रेखा का ए पॉइंट है अगला देखिए F पॉइंट माइनस एक कॉमा तीन माइनस एक एक्स पर माइनस एक वाई पर तीन देखिए वाई पर तीन इस साइड ये नीचे साइड एक तो इन पॉइंट को इस प्रकार से हमारी ये रेखा बन गई अब क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में था क्वेश्चन में था कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए तो हमें संख्या देखिए कैसे बताएंगे हम दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहा प्रतिच्छेदित कर रही हैं? इस पॉइंट पर दोनों ही रेखाओं में कौन से पॉइंट को ने ये वाला पॉइंट थ्री कोमा सेवन अभी थ्री क्या है एक्स है और सेवन क्या है वाई है तो हमने देखिए तो दोनों ही रेखाओं के पॉइंट कहा थ्री कोमा सेवन पर तो दोनों ही रेखाएं जब इस पॉइंट पर मिल रही हैं या दोनों ही रेखा में कॉमन पॉइंट क्या है देखिए इसमें भी थ्री कॉमा सेवन और इसमें भी थ्री कॉमा सेवन तो ये थ्री किसकी वैल्यू है एक्स की और सेवन वैल्यू किसकी है वाई की देखिए थ्री एक्स की और सेवन वाई की थ्री एक्स की और सेवन वाई की तो दोनों ही रेखाओं में जो कॉमन पॉइंट है या दोनों ही रेखाएँ जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं या कॉमन पॉइंट है वह उसका आंसर होता है तो यहाँ देखिए हमारा एक्स को हमने क्या माना था लड़कों की संख्या तो यहाँ आ जाएगी थ्री क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी बाई देखिए लड़कियों की संख्या वाई वाई क्या है हमारा सेवन तो अब आंसर हो जाएगा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या है सेवन देखिए यहाँ पर तो हमारा आंसर होगा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या तीन और लड़कियों की संख्या सात ये हमारा आंसर हो जाएगा अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सर आपने थ्री कोमा सेवन ले लिया फाइव कोमा फाइव ले लिया सिक्स कोमा फोर ले लिया लेकिन हमें क्या पता कि हम थ्री कोमा सेवन ही लें या हम फाइव कोमा फाइव ही लें या डायरेक्ट सिक्स कोमा फोर ही लें हमें कैसे पता चलेगा तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी लेना है वह मान आप ले सकते हैं आंसर आपका वही आएगा जो वास्तव में है आपको जो पॉइंट लेना है वो पॉइंट ले सकते हैं ये था हमारा समीकरण और यदि हम मान लो इसमें वन लेते हैं तब एक्स वाला और क्या आएगा नाइन आएगा जब टू लेंगे तो क्या आएगा एट आएगा जब थ्री लेंगे तो सेवन आएगा देखिए यही था हमारा थ्री लेने पर सेवन आया हाँ फोर लेने पर सिक्स आया फाइव लेने पर फाइव आया देखिए यही था हमारा फाइव लेने पर फाइव आया सिक्स लेने पर फोर आया देखिए यही था हमारा सिक्स लेने पर फोर आया सेवन लेने पर थ्री जीरो को हमारा टेन आया माइनस वन पे इलेवन आएगा माइनस वन पे इलेवन क्यों आएगा देखिए जैसे ही एक्स वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस एक और आगे लगाया तो हो जाएगा प्लस और दस और एक ग्यारह तो देखिए हमारा यहाँ पर ये आ गया फिर माइनस दो पे बारह तीन पे तेरह इस प्रकार से हमारा आता जाएगा अब देखिए हमने जो वैल्यू ली थी देखिए मान लो हमने ली पहली थ्री कोमा सेवन यहाँ पर है मान लो दूसरी हमारी मान लो फाइव कोमा फाइव यहाँ पर है मान लो तो और अगली हमारी मान लो सिक्स कोमा फोर यहाँ पर है हमने इन तीनों पॉइंट को मिला दिया और एक रेखा का निर्माण हो गया ठीक है अब मान लो आपने लिया वन कॉमा टू देखिए यहाँ से मान लो दूसरी रेखा खींच रहे हम इसी के बगल में मान लो आपने लिया वन कॉमा टू टू कॉमा एट एक वन कॉमा नाइन सॉरी वन कॉमा नाइन वन कॉमा नाइन दूसरी टू कॉमा एट तीसरी थ्री कॉमा सेवन फिर फोर कॉमा सिक्स अगला पॉइंट है फोर कामा सिक्स तो फोर कामा सिक्स यहाँ पर लिया फाइव कामा फाइव यहाँ पर लिया सिक्स कॉमा फोर यहाँ पर लिया सेवन कॉमा थ्री यहाँ पर लिया इस प्रकार से हम लेते गए तो हमारी और आपकी रेखा बिल्कुल वही है सिर्फ आपकी रेखा में एक और खासियत आ जाएगी कि ये जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो रही है आपकी बिल्कुल सटीक रेखा आएगी बस यही अंतर है तो यहाँ पर आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ये उसका आंसर है लड़कों की संख्या थ्री लड़कियों की संख्या सेवन धन्यवाद ये अपना प्रश्न वाले तीन दशमलव दो का पहला क्वेश्चन हो चुका है अब हम प्रश्न वाली तीन दशमलव दो का क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाएंगे जिसमें कहा गया है पांच पेंसिल तथा सात कलमों का मूल्य पचास रुपये है पांच पेंसिल और सात कलमों का मूल्य कितना पचास रुपये है जबकि सात पेंसिल और पांच कलमों का मूल्य कितना है छियालीस रुपए है तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए तो हमें जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे ये हम आप सभी को पता है जो हमें ज्ञात करना पड़ता है उसको मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्यस रुपये और एक कलम का मूल बाई रुपए मान लेंगे अब चलिए इसे हम हल करते हैं तो आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाई देगा और यहां पर हम हल करते हैं चलिए देखिए माना एक पेंसिल का मूल एक्स रुपये और एक कलम का मूल बाई रुपए है अब प्रश्न में क्या कहा गया था कि पांच पेंसिल और सात कलमों का मूल्य तो प्रश्न के अनुसार जब एक पेंसिल एक्स रुपये की आती है तो पाँच पेंसिल तो कितने की आएंगी पाँच एक्स की आएंगी जब एक कलम वाई रुपए की आती है तो सात कलम कितने की आएंगी सात तो वाई की जैसे मान लो कोई चीज है एक किलो आलू दस रुपए के आते हैं तो पाँच किलो आलू कितने के आएंगे पाँच गुणे दस करते हैं इसी प्रकार से जब एक पेंसिल एक्स रुपए की आती है तो पाँच पेंसिल कितने आएंगे पाँच एक्स की आएंगे एक कलम वाई रुपए की आती है तो सात कलम कितने की आएंगे सात वाई के आएंगे तो हम इसमें जो प्रश्न में दो शर्तें दी गई हैं हम दो नौ शर्तों के अनुसार प्रश्न अनुसार लिखेंगे तब प्रश्न में जो दो कंडीशन दी गई हैं उन्हें दो भागों A point point में ए पॉइंट और बी पॉइंट लेंगे पांच पेंसिल और सात कलम मिलाकर कुल कितने है? पचास रुपए तो जब एक पेंसिल का रुपए एक्स है तो पांच पेंसिल का कितना होगा पांच एक्स एक कलम का मूल है वाई तो सात कलम का मूल कितना होगा सात वाई बराबर पचास ठीक इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन को भी कर लेंगे जो सवाल में दी गई है दूसरी कंडीशन सात पेंसिल और पांच कलमों का मूल्य कितना है छियालीस तो देखिए सात पेंसिल कितने की होंगी जब एक पेंसिल एक्स की तो सात पेंसिल सात एक्स की और एक कलम वाई रुपए की है तो पांच कलम कितने की आएंगी पाँच वाई की बराबर छियालीस ये हमारी दोनों ही कंडीशन लिख चुकी हैं, देखिए है। सवाल में दो कंडीशन दी गई थी हमने दोनों ही कंडीशन को लिख लिया है चलिए इसे हल करते हैं यहां बचेगा सिर्फ सात वाई और इस साइड क्या हो जाएगा पचास माइनस पांच एक्स ठीक है अब वाई बराबर क्या आएगा पचास माइनस पांच एक्स बटे सात में थे वो का पहुंच जाएंगे भाग में ये, ये, ये बराबर आ गया अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हम वाई के बराबर और एक्स के पदों में चेंज कर लेंगे चलिए देखिए यहां पर पांच वाई बराबर छियालीस माइनस सात एक्स ठीक है अभी यहां पर जो पांच गुणा में है वो का आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे तो छियालिस माइनस सात एक्स बटे पांच ये समीकरण भी हमारा वाई के बराबर में और एक्स के पदों में व्यक्त हो गया और ये समीकरण भी हमारा वाई के बराबर में और एक्स के पदों में व्यक्त हो गया अब हम एक्स की वैल्यू रख देंगे और उन्हें वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में एकत्रित कर लेंगे इसके हमने ये पॉइंट निर्धारित कर लिए हैं और इसके पॉइंट देखिए ये पॉइंट निर्धारित कर लिए हैं इसमें देखिए है, जब आठ रखा तब कितना आया माइनस दो आया जब तीन रखा तब कितना आया पाँच आया इसमें देखिए दस रखा तब जीरो आया एक्स का मान कितना रखा दस देखिए पाँच गुणा दस पचास हो जाएगा और पचास में पचास घटाएंगे तो जीरो बचेगा और जीरो में सात का भाग देंगे तो जीरो आएगा तो जब एक्स का मान दस रखा तब वाई की वैल्यू कितनी आई जीरो जब एक्स का मान तीन रखा तब कितना आया बाई की वैल्यू फाइव आई इसी प्रकार से हाँ एक चीज जरूर दिख रही होगी देखिए यहाँ पर तीन और पांच एक की तीन और पांच देखिए ये इसमें कॉमन है तो ये निश्चित इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे और जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं या जो पॉइंट इनमें कॉमन रहता है हमारा वही आंसर आता है हल करने पर चलिए देखिए अब जो पॉइंट हमें प्राप्त हुए थे उन पॉइंट को हम ग्राफ पर बनाएंगे चूँकि यदि जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं और बहुत ही सटीक पॉइंट रहते हैं लेकिन फिर भी उस ग्राफ का वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है और स्पष्ट वीडियो नहीं बन पाता है जिस वजह से यह ग्राफ हाथ से बनाना पड़ता है तो इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो सकती हैं लेकिन जब आप ये ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ पे हल करेंगे तो बिल्कुल सटीक आएगा ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताते हैं देखिए पहला पॉइंट था उनका दस जीरो पर दस चलना है एक दो तीन चार पाँच छा है, है और ये जीरो। ये जीरो आपका वह ग्राफ नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ टाइप का किया जा रहा है दस और वाई पर जीरो अगला पॉइंट है उनका तीन कॉमा पांच देखिए एक्स पर तीन और वाई पर पांच देखिये वन टू तो, थ्री फोर फाइव एक्स पर तीन और वाई पर पाँच देखिए वाई पर पाँच इस प्रकार से रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को फिर हम मिला देंगे इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे और एक रेखा का निर्माण हो जाएगा अब जैसे मान लो ये है तीन कोमा पाँच आप इसके बाद रखते चार कोमा और कुछ रहता या मान लो जो कुछ भी आपको मान रहता तो ये रेखा आगे पीछे तक बढ़ती जाती जो भी हो या मान लो आप रखते वन वन रखते हैं का वन कितना रखते हैं वन तो देखिए ये रेखा यहाँ तक आ जाएगी वन रखने पर जो कुछ भी मान आए जैसे रखिए यहाँ पर वन रखते तो कितना आता पांच गुणा एक कितना पांच ही रहेगा पचास में से पांच घटाइए तो इस प्रकार से कुछ भी वैल्यू आती वो पॉइंट में आ जाती जो भी आती तो इस प्रकार से और पॉइंट रखने पर आपकी रेखा सटीक आएगी चलिए अब दूसरी देखिए पहला पॉइंट है आठ कोमा माइनस दो अब आपको पता होगा कि ये किस चतुर्थांश में पहुंचा है तो प्लस के आठ और माइनस के दो मतलब एक्स आठ है जो है एक्स प्लस की वैल्यू है वाई माइनस की देखिए, एक्स पर चलना है आठ तक और वाई पर चलना है दो पर देखिए ये इस प्रकार से आठ और दो ये पॉइंट मिल रहा फिर अगला पॉइंट है तीन कॉमा पांच तो देखिए तीन कॉमा वही वैल्यू है जो पॉइंट बी बना था वही पॉइंट क्या डी है तो देखिए तीन कोमा मैं पाँच यहाँ पर बना और इन दोनों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे इसको और इसको मिला देंगे तो ये हमारा हो गया हल ग्राफ ये, ये पेंसिल वाला था इसे पहले हमने ऐसे प्रश्न के अनुसार चेंज किया इसे भी प्रश्न के अनुसार चेंज किया फिर एक्स की वैल्यू टेन रखी थ्री रखी जो भी रखना है वो रखिए इसमें भी ऐसी वैल्यू रखिए और रखने के बाद फिर उन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर हम बनाएंगे ग्राफ पर बनाने के बाद अब आती है हमारी बारी आंसर की कि आंसर अब हमारा क्या होगा तो देखिए कॉमन कहाँ पर है कौन से पॉइंट है थ्री कॉमा फाइव थ्री किसकी वैल्यू है एक्स की फाइव किसकी है वाई की एक्स हमारा क्या था एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री और वाई की वैल्यू कितनी है फाइव देख लीजिए एक पेंसिल का मूल्य तीन और एक कलम का मूल्य पांच रुपए यही हमारा आंसर आ गया एक हमने माना था पेंसिल को तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा तीन रुपए और एक कलम का मूल्य आ जाएगा कितना पांच रुपए क्यों क्योंकि ये दोनों रेखाएं कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें ये? तीन कोमा पांच पर या तीन कोमा पांच ही पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन है तो हमने इसे देखी ग्राफी विधि से इसका हल निकाल लिया है किस विधि से हल निकाला है ग्राफी विधि से इसका हल निकाला है जो एक्स की वैल्यू है थ्री वाई की वैल्यू कितनी है फाइव तो ये हमारा आंसर हो गया और हमने इस प्रकार से प्रश्न वाली तीन दशमलव दो का दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लिया है देखिए धन्यवाद रज के रुलाया रज के हसाया मैंने दिल खो के इश्क कमाया मांगा जो सुने एक सितारा हमने पे चांद बुलाया